अतीक अहमद के बेटे असद को आज शाम को दफनाया जाएगा, पर अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि सुरक्षा कारणों से अतीक को इसकी इजाजत नहीं है। झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अतीक के ससुराल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि असद को सुपुर्दे खाक करने के लिए आज प्रयागराज लाया जाएगा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाएगा। नैनी जेल में पुलिस रिमांड पर रखा गया अतीक अहमद अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगा। अतीक बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है और आज अतीक के वकील इसके लिए कोर्ट में अपील करेंगे। सूत्रों की माने तो एनकाउंटर में मारे गए असद को सुपुर्दे खाक उसके ननिहाल के रिश्तेदार करेंगे। आतंक का अंत है उसके एक क्रम के रूप में अगर देखें तो आज उसका बेटा यहाँ पर दफन हो रहा है और अतीक यहाँ नहीं है, यानी अतीक पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ हो रही है और अतीक का भाई अशरफ भी पुलिस कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ हो रही है, लेकिन उसका बेटा एनकाउंटर में मारा जाता है और आज उसको दफन करने की तैयारी चल रही है।